हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी साइट के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर आप लोग एक साल का रिचार्ज करोगे, वन ईयर का रिचार्ज करोगे तो मात्र 1250 रुपये करने पड़ेंगे। आपके पास कोई भी सिम हो, एयरटेल हो, जियो हो, ओडा हो, या फिर आप लोगों के पास आइडिया हो, कोई भी नंबर हो, आप लोगों को कोई भी कंपनी का कोई भी नंबर हो, आप लोग कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपये रिचार्ज करने पड़ेंगे और एक साल का रिचार्ज आप लोग कर सकते हो। वहाँ पर आप लोगों को अनलिमिटेड कॉलिंग, 1.5 GB डाटा मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग ये कैसे कर सकते हो, कौन सी कंपनी है, कौन सी साइट है, यही सब आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है, साइट है दोस्तों SMPL Mart। दोस्तों, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कैसे SMPL Mart पर आप लोग ज्वाइनिंग ले सकते हो यही आप लोगों को बताऊँगा पूरी डिटेल के साथ। आप लोग ज्वाइनिंग लेकर एक्टिवेशन कैसे करोगे ये भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र या आपका गूगल हो वहाँ पर आप लोग टाइप करेंगे, सर्च में टाइप करेंगे SMPL Mart। उसको टाइप करोगे तो सबसे पहले आप लोगों को इंटरफेस इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, लिखा हो शुभम मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहला पेज जो लिखा होगा उस पर क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे कुछ इस तरह इंटरफेस आप लोग खुल के आएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ज्वाइनिंग करने के लिए, आप लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग साइनअप का बीच का ऑप्शन दिख रहा होगा नीला कलर का, तो साइनअप पे आप लोग क्लिक करना है। सिर्फ साइनअप पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो रजिस्ट्रेशन होम और रजिस्ट्रेशन आप लोग दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इसके नीचे थोड़ा जाओगे तो यहाँ पर एप्लीकेंट नाम और नंबर और स्टेट और सिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलो मैं टाइप कर लेता हूँ नाम, जो नाम है अपना नाम डालेंगे आप लोग, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे जो नंबर है आपके पास। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस राज्य से रहने वाले हो आप, जो राज्य के रहने वाले हो वो राज्य यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिटी, आपका ज़िला कौन सा है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद नीचे आप लोग देखोगे सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो सबमिट करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है और आप लोग देख रहे होगे मैसेज भी आ चुका है नीचे की साइड में, आप लोग दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैसेज भी आ गया है, देखिए ये देखिए मैसेज में भी पासवर्ड और यूजर लॉगिन आईडी आ गई है और पासवर्ड भी आ गया है। दो पासवर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों में से कोई भी पासवर्ड डाल के और जो लॉगिन आईडी जो। आप लोग SMPL का लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर SMPL पे लॉगिन कैसे करते हैं मैं आप लोग बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर लोग कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर लॉगिन आईडी डालोगे, जो लॉगिन आईडी है वो डाल लेते हैं, उसके बाद पासवर्ड डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लेट्स गो पे क्लिक करोगे, लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा स्क्रीन पर। यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा आप सभी को एसेसरी को सूचित किया जाता है कि समय समय पर आईडी का पासवर्ड चेंज करते रहें। यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पर पासवर्ड आपका जो है वो पासवर्ड आप लोग चेंज करते रहिए। यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने के लिए आप लोग 3 बिंदी के ऊपर, उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल पर आप लोग, यहाँ पर मेम्बर पर आप लोग जाओगे, मेम्बर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, एक टेक्स्ट पासवर्ड और एक पासवर्ड खाली, दो ऑप्शन मिल जाएंगे। दोनों में से कोई भी अगर टेक्स्ट डालना चाहो पासवर्ड टेक्स्ट डाल सकते हो, या फिर नंबर का पासवर्ड डालना चाहो तो नंबर का पासवर्ड डाल सकते हो। यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और कन्फर्म पासवर्ड डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ और काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर प्रोफाइल को एडिट, यहाँ पर प्रोफाइल पर एडिट प्रोफाइल पर जाओगे तो यहाँ पर प्रोफाइल में कुछ भी चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो यहाँ पर आप लोग। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डेट ऑफ बर्थ वगैरह दी गई है, नॉमिनी दी गई है, यहाँ पर देख रहे हो आप लोग। उसके बाद बैक खोल लेता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। KYC करना है तो यहाँ पर मेंबर डॉक्यूमेंट्स पे जाओगे, KYC पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर KYC कर सकते हो, अपनी आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, KYC आप लोग कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब लोग आप लोगों को बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग रिचार्ज कैसे करते हैं, बाकी का प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।